ताइक्वांडो मैं सीखता हूँ तो मैं अच्छा से करता हूँ। मैं अपने नेशन और हर लड़की को प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और मुझे ताइक्वांडो सीखना काफी अच्छा लगता है। अगर देश को जरूरत हो तो मैं उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन लगता है इसमें। ताइक्वांडो इसलिए सीखती हूँ ताकि खुद की रक्षा कर सकूँ और दूसरों की रक्षा कर सकूँ। कल्याण केंद्र में प्रैक्टिस करते हुए मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं। हम ताइक्वांडो सीखने आते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं केबी स्टूडियो का प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह टाउनशिप के कल्याण केंद्र में हूँ। पीछे छोटे छोटे बच्चे जो हैं और बड़े बड़े बच्चे भी हैं उसके पीछे, सब ताइक्वांडो यहाँ पे सीखते हैं। और मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे अभी एशियन पेंट्स में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। नंदू सर के साथ अभी मौजूद हूँ। नंदू सर यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं तमाम बच्चों के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पे जो है ये चला रहे हैं? ये क्लब लगभग 30 वर्ष से यहाँ चल रहा है। और ये जो कल्याण केंद्र है बरौनी रिफाइनरी मैनेजमेंट के अंदर में है, तो बरौनी रिफाइनरी मैनेजमेंट और कल्याण केंद्र के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हमारा चलता है। और कल्याण केंद्र और बरौनी रिफाइनरी मैनेजमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहता है इसको आगे करने के लिए, तो लगभग 30 वर्ष से चल रहा है। और इससे पहले हमारे एक श्री राम सिंह सर थे, सियासत में थे, वही इसको यहाँ स्टार्ट किए थे। उस समय हम ट्रेनिंग किया करते थे और जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो हमको उस लायक और उस तरह से हमको तैयार कर दिए थे कि हम उस बच्चे को अपना ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चे को भी ट्रेनिंग शुरू कर दिए। उसी क्रम में बच्चे लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, साथ इंटरनेशनल भी निकले हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि हर एक ज़िले से और अपने जो बेगूसराय ज़िले के हर एक क्लब के बच्चे इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएं, मगर अभी तक जो 7 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले गए हैं इसी कल्याण केंद्र के बच्चे हैं। और IOC एम्प्लॉय के वार्ड भी हैं जो इंटरनेशनल गए हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है, एक प्राउड फील करते हैं कि हम जहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ से 7 बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, एफर्ट रहेगा कि बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाएँ और अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें। और अभी इसके ताइक्वांडो खेल में नौकरियां भी आ गई है। यही क्लब की निधि कुमारी अभी जस्ट 2019 में सचिवालय में ज्वाइन की है और खेल कोटे से ही ज्वाइन की है। चलिए, हम चाहेंगे तमाम बच्चे से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं और हम लोग भी मिलें। मेरा नाम विधान है और मैं UKG में पढ़ता हूँ। मेरा सेक्शन डी है। यहाँ ताइक्वांडो सीखते हैं? हाँ सर, ताइक्वांडो मैं सीखता हूँ तो मैं अच्छा से करता हूँ। काहे करते हैं अच्छा से? अच्छा से ही करता है। तो कैसा लग रहा है सीख के? अच्छा लगता है। तो कब से सीख रहे हैं? अभी मैं सीख रहा हूँ, डेली डेली आता हूँ। तो डेली डेली आते हैं? हाँ। पैर हाथ में दर्द भी करता है? नहीं नहीं करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ताइक्वांडो में नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ। मैं ग्रीन बेल्ट हूँ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। सीखने आ रहा है? मैं 3 साल से सीखने आ रहा हूँ। 3 साल से? कैसा लग रहा है सीख के? अच्छा लग रहा है। नेम इज राजविका सोनी। मैं 1 में पढ़ती हूँ। मैं सीखने इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे है ना अच्छा सीखना है। काव्या कुमारी, हम 3D में पढ़ते हैं। हम ताइक्वांडो सीखने आते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। हेलो, मेरा नाम अंकित नायक और मैं टाउनशिप ताइक्वांडो कल्याण केंद्र में ताइक्वांडो डेली सीखने आता हूँ। और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो सीखता हूँ। अगर देश को जरूरत हो तो मैं उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रताप सिंह है, मैं क्लास 3A में पढ़ता हूँ। हाँ, और मैं ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस के लिए आता हूँ। मैं इंटरनेशनल तक खेलूंगा और फिर मैं बेगूसराय का नाम रोशन करूंगा। श्री कार्तिक मौर्य है और मैं 1 महीने से ताइक्वांडो सीख रहा हूं। और मैं ताइक्वांडो सीख रहा हूं ताकि मैं आर्मी में देश के लिए रक्षा कर सकूं। और मैं ये कहते ये जज्बा रखता हूं कि मैं इंटरनेशनल और नेशनल जीत सकता हूं। मेरा नाम परी राज है। मैं ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखती हूँ ताकि मैं अपना और दूसरे का रक्षा कर सकूँ। और मुझे ताइक्वांडो आना बहुत पसंद है। कुमारी अनुप्रिया है। मैं ताइक्वांडो इसलिए सीखती हूँ क्योंकि हमको अच्छा लगता है। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए सीखती हूँ और मुझे
ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन लगता है इसमें। कुमारी हूँ और मैं ताइक्वांडो सीखने आती हूँ। मुझे ताइक्वांडो सीखना अच्छा लगता है और मैं ताइक्वांडो इसलिए सीखती हूँ ताकि खुद की रक्षा कर सकूँ और दूसरों की रक्षा कर सकूँ। यहाँ पे हमारे श्याम सर जो कि रोज़ अच्छे ट्रेनिंग सिखाते हैं और अच्छे ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, और नंदू सर और कोच श्याम सर दोनों ही अच्छे से गाइड करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ताइक्वांडो सीखना। सो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, इसके लिए थैंक यू। मेरा नाम उज्ज्वल कुमार है। मैं ताइक्वांडो अपने देश के लिए, मैं ओलंपिक खेलने के लिए, यहाँ गोल्ड मेडल लाने के लिए और अपने कोच और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ताइक्वांडो सीखने आता हूँ। यहाँ कल्याण केंद्र में हम लोग को श्याम सर सिखाते हैं। मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं कल्याण केंद्र ताइक्वांडो सीखने आता हूँ, और मेरा ये गोल है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ और उसे जीत के आऊँ, और ताकि मैं अपने सर का, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। मेरा नाम कामिनी कुमारी है। कल्याण केंद्र में मैं प्रैक्टिस करते हुए मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं और मैं यहाँ डेली प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच श्याम सर हैं और नंदू सर हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है प्रैक्टिस में, हर चीज़ उपलब्ध करवाई है, यहाँ तक कि मैट से लेकर चेस्ट गार्ड से लेकर हर चीज़ उन्होंने उपलब्ध की है हम लोगों को, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम है प्राची कुमारी। मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं इसलिए ताइक्वांडो सीखती हूँ कि मैं अपने सेफ्टी कर सकती हूँ, मैं अपने आप को सेफ्टी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि है। मैं यहाँ पे 8 साल से ताइक्वांडो सीखती हूँ। यहाँ पे ताइक्वांडो सीखने का मेरा मेन मोटो सेल्फ डिफेंस है, ताकि मैं अपने नेशन और हर लड़की को प्रोटेक्ट कर सकूँ, इसीलिए मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। ताइक्वांडो मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना। मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे मैच खेली हूँ और मुझे ताइक्वांडो खेलना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं जकांशा कुमारी। मुझे ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सेल्फ डिफेंस ताइक्वांडो में, और बहुत सारी गर्ल्स को भी बचा सकती हो अगर सेल्फ डिफेंस में, तो थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशी और मैं ताइक्वांडो कल्याण केंद्र में सीखती हूँ, एंड मैं ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखती हूँ और मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। मैं 6 साल से ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। मैं नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और मुझे ताइक्वांडो सीखना काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे सर नंदू सर काफ़ी अच्छे से हमको सिखाए हैं, और हमारे सर श्याम सर और हमारे सीनियर भैया लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। डॉक्टर विधि व्यापक। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। आई हैव एडमिटेड वन ऑफ माय किड्स हियर। मेरा बेटा है जिसे मैंने डाला, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है डाले हुए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसे डाला। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिलक्टेंट थी मैं। मेरा भाई भी यहाँ पे है, एडमिटेड है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से केयरफुली सब कुछ कर रहे हैं और मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ स्टेज है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पहले तो रिलक्टेंट थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि डाले इसलिए हैं हम, क्योंकि एक बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कि आप फिज़िकली फ़िट होता है बच्चा, तो मेंटली भी वो फिट होता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस ना आँखों से दिखता है बच्चे के, हम चाह रहे हैं कि इसको लॉन्ग टाइम तक रखेंगे, अपने बच्चे को भी और मेरे भाई को भी, दोनों को भी रखेंगे, और इसमें आगे कुछ कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये स्टेज लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो रहा है। कभी हम सोचे नहीं थे कि बेगूसराय जैसे छोटी जगह पे इतने अच्छी तरीके से कुछ एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होकर के इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी 2 बच्चों का, जैसे कि आपको पता होगा कि सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, और पूरे बिहार की तरफ से, ये बहुत बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए, पूरे बेगूसराय वासियों के लिए। आई एम चेयरिंग अप फॉर ऑल द किड्स, ऑल द कलीग्स हियर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू सो मच। मैं सिंघौल से आई हूँ। मैंने अपने बच्चे को 2-3 दिन हुआ दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बच्चों लोग का ये प्रोत्साहन देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे लोग का प्रोग्रेसिव फ्यूचर है, तो आगे जाके मुझे लगता है कि मेरा भी बच्चा कुछ करेगा। ये सब को देख के अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है। दो बच्चा को लेकर के 2 महीना से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और बहुत अच्छा मैंने यहाँ पर अच्छा से सिखाया जा रहा है, और आगे चाहते हैं कि अच्छा भविष्य हो, इसे लेकर के हम सिखा रहे हैं। बेगूसराय से आता हूँ। मेरा बच्चा अरब रंजन करीब 2.5 वर्षों से बेगूसराय कल्याण केंद्र में सीखने आता है। नंदू सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो बच्चा, हर बच्चा मनोबल, बच्चे का मनोबल बहुत ऊंचा रहता है, सीखने के प्रति बहुत प्रिय रहता है, मुझे ताइक्वांडो सीखना है। और नंदू सर ने अभी बेगूसराय के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा दिया है,
ये बड़ी खुशी की बात है और हम भी उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे। तो मैं सभी बच्चों को ये उसका मनोबल बढ़ाने के लिए नंदू सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बच्चे के प्रति बहुत लगनशील रहते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हमारे साथ टाइकोंडो गेम के एसोसिएशन के अध्यक्ष सर यहीं पे मौजूद हैं। सर आज कैसा लग रहा है, दो लड़कियों का अपने ज़िला से सिलेक्शन हुआ और ख़ास करके एक लड़कियों का जो यहीं पे सीखती थी? देखिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि बिहार में कुल चार खिलाड़ी जो इस कैंप के लिए चयनित हुए हैं उसमें दो खिलाड़ी हमारे बेगूसराय के हैं और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि दोनों की दोनों लड़की है। तो जब हम वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ मेरा योगदान ज़्यादा हो जा रहा है और ये बच्चियाँ इससे पहले भी रागिनी खेल चुकी है और ये रानी परवीन, तो ये दोनों बच्ची जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है और इस कैंप में जो गई है टोटल 25 या 30 खिलाड़ी इस कैंप में जुटेंगे जो लखनऊ में होगा और वहाँ से चयनित होंगे ये लोग एशिया खेलने जाएंगे। तो दोनों को शुभकामनाएँ हैं और काफ़ी दिन से ताइक्वांडो में हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के बेगूसराय के बच्चे लगातार अच्छा हासिल कर रहे हैं इसलिए हम इनको। क्या लग रहा है आने वाले समय में जो क्या देख रहे हैं ताइक्वांडो का, क्या एक अलग पहचान एक अलग मुकाम होगा, धीरे धीरे जो है ये अलग ही पहचान बनाते जा रहा है? देखिए खेल की दुनिया में अगर हम बात करें तो हमको लगता है कि बेगूसराय का पहचान ताइक्वांडो बन गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेगूसराय का पहचान ताइक्वांडो बन गया है। ताइक्वांडो की अपनी एक पहचान है जो पूरे देश में है, आज सोशल मीडिया पे वायरल है कि सैफ अली खान और करीना कपूर का जो बच्चा है वो भी ताइक्वांडो सीख रहा है। तो ताइक्वांडो की तो एक अपनी पहचान है लेकिन बेगूसराय ताइक्वांडो के कारण जाने जाने लगा है और बिहार के अंदर और देश में भी बेगूसराय और ये कल्याण केंद्र की जो क्लब है इसका एक अपना पहचान है और हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं। बागी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। बागी जी, इस कल्याण केंद्र के लिए आज बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमी मेहनत करता है उसको इस तरीके का अगर मुकाम धीरे धीरे हासिल होते जाए तो उसको और भी हिम्मत मिलती है। आज निसंदेह कल्याण केंद्र के लिए, बेगूसराय ज़िले के लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे ज़िले से दो खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन किया गया है ट्रायल के लिए और हम समझते हैं कि यह वर्षों से जो हमारे कोच हैं, जिला ताइक्वांडो संघ है और जो तमाम खिलाड़ी गण हैं जो लगातार तपस्या कर रहे हैं और जो साधना कर रहे हैं, ज़िले के विभिन्न क्लब के तमाम खिलाड़ी गण जो अपनी साधना कर रहे हैं, आज एक उसका छोटा सा प्रतिफल आया है। हमारे खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर, राष्ट्रीय फलकों पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते आए हैं और हम समझते हैं कि ये जो ट्रायल है वहाँ भी हमारे खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और न केवल बेगूसराय ज़िले का, बिहार राज्य का और भारतीय देश का नाम रोशन करेंगे। डाउन फ्रंट स्टॉप, हाफ स्ट्रेचिंग करेंगे, एक साइड बैठेंगे, बैठिए पूरा, टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप, लेग हाई रोलिंग, हाई रोलिंग, लेग चेंज, हाई रोलिंग कीजिए, चेंज स्टॉप, बैक मूव, क्रिया जुम्बी कुसुम सगी टू सिंगल पंच वन डबल पंच वन टू थ्री फोर ट्रिपल पंच वन टू थ्री फोर अलगुल माकी अपर ब्लॉक वन टू
कदमा की आउटसाइड ब्लॉक वन टू थ्री अनमा की इनसाइड ब्लॉक वन टू मार के पीछे रखना है वन टू थ्री लेकिन वन टू थ्री लेकिन स्टेट के वन Oh.
दो इसे आउट टू इन दो इसे मारो। ठीक ठीक ठीक।